रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया गया था गेइगर काउंटर। एक वीडियो में हमने डिटेल्स में रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पे बात किया था। उस वीडियो को देखने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार में जाके लिखे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल EduPoint, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो में मैं आपको गेइगर काउंटर का फंक्शनिंग के बारे में बताऊंगा, ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो वही वादा मैं आज निभा रहा हूं। आयनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है गेइगर काउंटर। आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया या गामा रे हो गया, इस तरह के रेडिएशन को जो कि खासकर निकलता है रेडियो एक्टिव वेस्ट से, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए वहां पर यूज होता है गेइगर काउंटर। आगे चल के मुलर ने इस काउंटर में बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया था, इसे मॉडर्नाइज किया था, तो इसीलिए इस काउंटर का नाम गेइगर मुलर काउंटर पड़ गया। चलिए इसका फंक्शनिंग देखते हैं। तो इसका जो फंक्शनिंग है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये बहुत बहुत सिंपल है और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। यहां पर रहता है एक ट्यूब, इस ट्यूब में इस तरह से रेडिएशन अंदर जाता है और फिर ये इसे डिटेक्ट करता है। यहां पर देखिए, ये यहां रीडिंग पता चलता है कि कितना अमाउंट में रेडिएशन अंदर जा रहा है। इसे पहली बार कंस्ट्रक्ट किया था हांस गेइगर ने और आगे चल के जैसे कि हमने बात किया, इसे मॉडिफाई किया था वाल्थर मुलर ने। तो हमने देखा कि यह बहुत ही सिंपली कंस्ट्रक्टेड होता है, इसमें एक पाइप रहता है और अंदर कुछ रहता है जिसके लिए यहां से एक वायर निकला हुआ है। वो और क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। तो ये है इसका सिंपलिस्टिक कंस्ट्रक्शन। यहां से आयोनाइजिंग रेडिएशन अंदर आता है और फिर उसे डिटेक्ट करता है ये जो ट्यूब है वो। यहां से देखिए, एक एनोड है और ये एक कैथोड है, क्योंकि यह एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये हायर पोटेंशियल में और ये लोअर पोटेंशियल में है, तो एक ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस रहता है यहां पर, उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये इसका डिस्प्ले है, ये थोड़ा मॉडर्न हो गया, डिजिटल डिस्प्ले हमें दिख रहा, चलिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पर है एक स्पीकर जो कि साउंड क्रिएट करता है, जितना ज्यादा आयोनाइजिंग रेडिएशन होगा उतना ही ज्यादा यहां पर करंट का फ्लो होगा और उतना ही ज्यादा स्पीकर में साउंड क्रिएट होगा। जो साउंड को सुन के हमें समझ में आता है कितना आयनाइजिंग रेडिएशन है वहां पर। चलिए देख लेते हैं कि अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस जगह पे अंदर जो रहता है इनर्ट गैस रहता है, जैसे कि नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इस तरह के इनर्ट गैसेस रहता है और ये लो प्रेशर में रहता है। लो प्रेशर क्यों रहता है, लो प्रेशर में, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसका अगर कंस्ट्रक्शन हम देखें तो ये ट्यूब, ट्यूब का आउटलाइन और ये रहा ये वाला एनोड जो है, सो पॉजिटिव सोर्स है ये, पॉजिटिव चार्ज है ये, या फिर कहें हायर पोटेंशियल है ये, और ये कैथोड है, ये लोअर पोटेंशियल में है। तो बीच में एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और यहां पर एटम्स रहता है, इनर्ट गैस के एटम्स, बहुत ही लो प्रेशर में रहता है ये। तो आयनाइजिंग रेडिएशन जब अंदर आता है तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को आयोनाइज कर देता है, ये आयोनाइज करता है। तो जैसे ही ये कोलाइड करता है किसी एक एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ, तो उसमें आ जाता है कुछ चार्ज, वो आयन बन जाता है, वो आयोनाइज्ड हो जाता है। अब जैसे ये आयन बना, देखिए अगर मान ले कि अल्फा पार्टिकल आता है, तो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, सो हीलियम न्यूक्लियस होने के कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये जब कोलाइड करता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर कर लेता है, ये हीलियम न्यूक्लियस। अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है अंदर, जो भी है नियन, आर्गन, जो भी इनर्ट गैस है वो। अब इसके कारण देखिए, ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बन गया तो वैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है, इसके पास आता है ह्यूज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है।
अब मूव करते हुए ये आगे किसी और एटम के साथ कोलाइड करता है, उसके कारण ये इसे भी आयनाइज कर देता है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और ये भी एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है और ये जो पॉजिटिव आयन है ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। इस तरह से ये आयन जो पहले था वो भी इस डायरेक्शन में मूव करता है और नया बना आयन भी इस डायरेक्शन में मूव करता है। फिर आगे चल के ये किसी दूसरे एटम को आयनाइज कर देता है, ये भी किसी और एटम को आयनाइज कर देता है। सो कुछ एवलॉन्च इफेक्ट जैसा होता है यहां पर। इस तरह के इफेक्ट को टाउनसेंड इफेक्ट कहा जाता है या फिर टाउनसेंड डिस्चार्ज कहा जाता है, जिसे कि सबसे पहली बार खोजा था जॉन सीली टाउनसेंड ने, इसीलिए इस तरह के इफेक्ट को टाउनसेंड इफेक्ट या टाउनसेंड डिस्चार्ज कहा जाता है। तो एक रीजन है लो प्रेशर में इन गैसेस को रखने का कि जब एक आयन बनता है तो वो जितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है उसके पास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक यहां पर चार्ज है उसे सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने दिया जाए तो उसमें तो एक खास एक्सीलरेशन होगा, उस एक्सीलरेशन से जब वो यहां तक पहुंचेगा तो उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होगा, हेंस बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। वहीं पर अगर इसे अलाउ किया जाता है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में तो उसी एक्सीलरेशन से जब वो यहां तक पहुंचेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इसके पास ह्यूज काइनेटिक एनर्जी होगा, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इस केस में, और इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है ये बहुत ही कम होगा। इसीलिए गैस को लो प्रेशर में रखा जाता है जिसके कारण कि गैस के जो एटम्स है ये ज्यादा दूर दूर हो, कलिजन से पहले इसे ज्यादा मौका मिले डिस्टेंस ट्रेवल करने का। सो ह्यूज काइनेटिक एनर्जी रहने का जो बेनिफिट है वो ये कि वो दूसरे एटम्स को भी आयनाइज कर देता है, इसके कारण ह्यूज अमाउंट में चार्जेस यहां पर पहुंच जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर पहुंच जाता है और ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर पहुंच जाता है। इसके कारण सिग्निफिकेंट अमाउंट में एक करंट फ्लो करता है यहां से और उसी करंट को यहां पर डिटेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ यहां स्पीकर से साउंड भी जनरेटेड होता है। तो ये था गेगर मुलर काउंटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो कि बहुत ही सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में भी हम नए नए मुद्दों पे बात करते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।